हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड टॉपिक वाईटी। मैं आपके साथ हर्षुल सहगल स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। आप कैसे हैं? और गाइस, जैसे आप इस वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे बना सकते हैं कुरकुरे की भेल। जी हाँ गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, ये मेरी कुकिंग वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे बना सकते हैं कुरकुरे की भेल। आपने भेलपूड़ी खाई होगी, लेकिन आपने कुरकुरे की भेल नहीं खाई होगी शायद, या खाई भी होगी, मैं ऐसे कह नहीं रहा कि आपने नहीं खाई होगी, लेकिन चलिए आज मैं आपको उसको बनाना सिखाऊंगा आप कैसे बना सकते हैं कुरकुरे की भेल। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस नॉलेजेबल है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। आप देख रहे हैं यानी टॉपिक वाईटी, मैं आपके साथ हर्षुल सहगल। तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए अब बनाने चलते हैं हमारी कुरकुरे की भेल। वीडियो को देखना एंड तक, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको ना जवाब कैसे बना सकते हैं कुरकुरे बेल। उसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ओनियन, टमाटो, कुकुम्बर, और स्पाइसेस में मेरे पास रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, अमचूरन, काली मिर्च, एक चिली फ्लेक्स का पैकेट, और यहाँ पे है मेरे पास धनिया, और एक है मेरे पास कुरकुरे का पैकेट। अब आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये टमाटो, ऑनियन एंड कुकुम्बर को आप कर लीजिए चॉप, और कुरकुरे को निकाल लीजिए एक प्लेट में। गैस मैं आपको ये बताना भूल गया कि आपको एक नींबू का रस भी लेना है, तो आप एक नींबू लीजिए और उसका रस निकाल के एक प्लेट में रख लीजिए। और चलिए अब चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो ये जैसे आपने भेलपूड़ी खाई होगी, तो वैसी ये कुरकुरे की भेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। और तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कुरकुरे बेल बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए। मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल और स्पून लिया है, और स्पाइसेस में है मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च, और यहाँ पे है मेरे पास सॉल्ट, और कुरकुरे को मैंने प्लेट में निकाल लिया था, और मेरे पास है चॉप्ड ऑनियन, टमाटो, कुकुम्बर, और है मेरे पास चॉप्ड धनिया और नींबू का रस, चिली फ्लेक्स का पैकेट भी है मेरे पास। तो चलिए अब इन सबको कर देते हैं मिक्स। तो गाइस, इन सबको हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमें इसका बेस्ट टेस्ट मिल सके। इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप कैसे बना सकते हैं कुरकुरे की बेल। वीडियो बहुत ही अच्छी है, वीडियो को देखना एंड तक, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ये मेरी कुकिंग की वीडियो थी, आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएंगी। तो आप उस वीडियो पे भी अपना फुल सपोर्ट दिखाना, और चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हमारे कुरकुरे की भेल। देखिए, इसको मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है हमें, और चलिए अब इसको करते हैं मिक्स। वैसे देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से इसको मिक्स कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अपने मिक्स कर दिए हैं, आप भी बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से मिक्स किया है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरा मिक्सी बाउल है, उसके अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो गाइस, हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और बहुत ही इसके अंदर लिमिटेड आइटम्स यूज हुई हैं, और अब इसको कभी भी खा सकते हो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है एक्चुअली। ये रेसिपी है, ये भी बिल्कुल एक उस तरह से आई, जैसे पैकेट के पीछे वहाँ पे लिखा होता है, उसको ऐसे भी ट्राई कर दो, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा तो बहुत ही अमेजिंग सी लगी है। और वैसे मैं आपको बता चलूँ कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर ज्यादा मत डाल देना, क्योंकि कुरकुरे के अंदर पहले से ही होता है। इंग्रेडिएंट्स ज्यादा मत डाल देना एक्चुअली, कुरकुरे इसके अंदर सारे स्पाइसेस पहले से होती है, बस थोड़ा थोड़ा डाल देना। थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर सॉल्ट, सॉल्ट डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूरन, थोड़ा सा डाल देना अमचूरन। अमचूरन डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, थोड़ा सा डाल देना वो। डालने के बाद हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, गाइस थोड़ा सा डाल देना, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा मत डालना। और उसके बाद लास्ट हमारा डालेंगे हम इसके अंदर नींबू का रस, नींबू का रस डालेंगे, उसको करना बिल्कुल अच्छे से मिक्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना गाइस। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से इसको कर रहा हूँ मिक्स। और गाइस, यहाँ पे जो हमारी ये कुरकुरे की भेल है, ये वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे एक प्लेट के अंदर सर्व। एक प्लेट मैंने ले लिया और इसके अंदर हम इसको डालेंगे, और आप देख सकते हैं इसको
देखिए गाइस ये हमारे यहाँ पे ये रेसिपी तैयार हो चुकी है कुरकुरे भेल की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए ऐसी मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। ये मेरी कुकिंग की वीडियो थी, होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको बताया कैसे बना सकते हैं कुरकुरे की भेल। बाय बाय गाइस, बाय बाय।